हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका ट्रेन इंक्वायरी पर। आज की ट्रेन जानकारी में अपने फिरोजपुर से लुधियाना सेक्शन पे मैं जा रहा हूँ इस समय, और मैं आपको मुल्लापुर से लुधियाना के बीच में कितना डबलिंग का काम चल रहा है इसके बारे में बताऊँगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लें। और इस समय हमारी ट्रेन जो है वो मुल्लापुर रेलवे स्टेशन के आउटर पर है, यानी जगराम की तरफ से मैं एंटर कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देखिए कि मुल्लापुर रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म ये तो पुराना ही है, यहाँ पर कोई खास काम जो है वो मुझे दिखा नहीं है। पीछे की तरफ देखिए दीवार तोड़ दी गई है, और मुल्लापुर रेलवे स्टेशन में पीछे की तरफ काम चल रहा है। हो सकता है कि इस प्लेटफॉर्म पे सेटेलाइट या यहाँ पे फुट ओवर ब्रिज के लिए जो है वो भी खंभे लगा दिए गए हैं गार्डन। यहाँ देखिए यहाँ काम चल रहा है, प्लेटफॉर्म की लेंथ को बढ़ाया जा रहा है। ये नया प्लेटफॉर्म देखिए बिल्कुल हाई लेवल का बनाया जाएगा मुल्लापुर रेलवे स्टेशन पर, क्योंकि देखिए लुधियाना में EDFC का एंड होता है लगभग सानेवाल के आसपास, और सानेवाल से लेकर लुधियाना तक ट्रिपल लाइन है। अब थोड़ा सा आगे निकलने के बाद ये देखिए यहाँ पे परली तरफ देखिए नई रेल लाइन जो डालनी है उसका काम चल रहा है। और यहाँ पे देखिए जो पोल हैं OHE पोल वो कितने पीछे हैं, बहुत पीछे लगाए गए हैं ताकि आराम से एक ट्रैक को जो है यहाँ पे फिट किया जा सके आने वाले टाइम में। तो डबलिंग का काम जो है वो मुल्लापुर में स्टार्ट हो चुका है, लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ने पर ये देखिए इस तरफ डबलिंग का काम नहीं है, अब जो डबलिंग का काम है वो दूसरी तरफ हो जाता है। यानी अब जब आप ट्रेन से लुधियाना की तरफ जा रहे हैं ना, तो आपके लेफ्ट साइड में डबलिंग का काम है। देखिए डबलिंग के लिए जो है वो पहले मिट्टी का लेवल किया गया, बेड बना दिया गया, उसके ऊपर जो है वो कंक्रीट से जो है लेवलिंग कर दी गई है, और साथ में इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए फाउंडेशन भी बना दिए गए देखिए आप लगातार। और यहाँ पे बीच में कुछ अंडरपास का काम भी चल रहा है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो ये देख लीजिए आप, ग्रिट भी डाल दी गई है, यानी जो स्टोन डालने हैं क्योंकि ब्लास्ट वाला ट्रैक बनने वाला है यहाँ पे, वो भी डाल दिया गया है। लेकिन यहाँ पे कुछ स्लीपर भी ऊपर रखे गए हैं, लेकिन स्लीपर को अभी जो है वो एडजस्ट नहीं किया गया। स्लीपर के साइड में जो है उसको ढेर लगाया गया है, स्लीपर को अभी एडजस्ट नहीं किया गया। तो कुछ काम अभी होना बाकी है, लेकिन काफ़ी काम किया भी गया है। मुल्लापुर से निकलने वाले, मुल्लापुर की जो डिस्टेंस है लगभग 22 किलोमीटर लुधियाना से रहती है। तो दो जगह पे डबलिंग प्रोजेक्ट है, एक तो मुल्लापुर की तरफ फिरोजपुर की तरफ, और धूरी की तरफ जो है ये जो है वो अहमदगढ़ किला रायपुर की तरफ जो है वहाँ पे जो है डबलिंग का काम हो रहा है। यहाँ पे कुछ अंडरपास का काम चल रहा है, और बीच बीच में अंडरपास का काम भी चल रहा है क्योंकि लेवल क्रॉसिंग यहाँ पे बंद की जाएंगी, और डबलिंग का काम साथ साथ में आप देख रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा काम कम है, अभी स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे मिट्टी के ढेर साइड में लगे हुए, लेवलिंग का काम अभी जो है वो फाइनल स्टेज में चल रहा है, और बीच में पोल लगा दिए गए, इसका मतलब है काम जो है वो लगातार चल रहा है यहाँ पे। और अपने थोड़ा सा आगे आ जाते हैं, क्योंकि इसमें दो स्टेशन पड़ते हैं, मुल्लापुर से आगे जो है लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर बद्दोवाल है, और बद्दोवाल रेलवे स्टेशन में इस तरफ काम चल रहा है। आप देखिए मतलब जो है रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ जो है वो पीछे की तरफ जो है वो काफ़ी लेवलिंग का काम किया गया, तो यहाँ पे रेलवे ट्रैक्स हो सकते हैं बिछाए जाएं। क्योंकि देखिए गुड्स के लिए यहाँ पे कुछ अलग से प्लेटफॉर्म भी बनाए जाएंगे, क्योंकि ये जो साइड है यहाँ पे काफ़ी सारा काम होने वाला है गुड्स के लिए। इस एरिया को गुड्स के लिए यहाँ तक डबल किया जा रहा है, इसीलिए परली तरफ जो है वो किला रायपुर तक डबल किया जा रहा है, और फिल्लौर से लेकर लुधियाना तक ऑलरेडी डबल है, और सानेवाल से लेकर लुधियाना तक जो है वो ट्रिपलिंग यानी तिहरीकरण का काम भी हो चुका है। तो यहाँ पे जो है मेरे को लगता है स्टेशन ही पूरा नया बनने वाला है। देखिए प्लेटफॉर्म पूरा ही नया पिछले की तरफ बना रखा है, और यहाँ पे अपने को जो है वो लुधियाना से सुबह 10:30 में जो ट्रेन निकलती है फिरोजपुर के लिए, जो सुबह जो है वो हिसार से आती है, उस ट्रेन को क्रॉस मिला। और इस तरफ देखिए यहाँ पर एक ट्रैक साथ साथ अपने चल रहा है, लेकिन डबलिंग का काम इस तरफ नहीं होना, डबलिंग का काम तो उसी तरफ हो रहा है। देखिए यहाँ पर काम नहीं हुआ है, यानी मुल्लापुर से लेकर बद्दोवाल तक काम काफ़ी हो चुका है, लेकिन बद्दोवाल से आगे जो है वो काम के लिए अभी पोल लगा दिए गए हैं, साइड पोल इन सेपरेटिंग पोल लगा दिए एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक के लिए। लेकिन यहाँ पे लेवलिंग का काम भी थोड़ा ही हुआ है, देखिए अभी यहाँ पे ग्रीनरी भी काफ़ी है, इसको भी नहीं हटाया गया है। और इस समय थोड़ा सा अपने आगे गया लुधियाना में एंटर कर गए हैं देखिए, और यहाँ पर भी कोई खास काम इस तरफ नहीं हुआ है। फ्लाईओवर की बात करें तो बहुत पुराना बन चुका था, हाँ यहाँ पे एक अंडरपास जरूर बना था पिछली बार जिस पे जो है वो काम चल रहा था, वो भी देखते हैं। इससे थोड़ा निकलने के बाद एक और जो है वो अंडरपास भी बन रहा है, साथ के साथ जो है फ्लाईओवर भी बन रहा है, उसका काम भी देखने कितना हो चुका है। इलेक्ट्रिफिकेशन का काम तो देखिए कम्प्लीट है, फिरोजपुर आउटर वाशिंग लाइन से लेकर लुधियाना तक जो है वो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का स्पीड ट्रायल भी हो चुका है। तो काम तो यहाँ पे इलेक्ट्रिफिकेशन का तो लगभग कम्प्लीट हो गया, फिरोजपुर में काम बाकी है। अब ये दूसरा ट्रैक आ रहा है, यहाँ पर भी जो है वो किला रायपुर से लेकर जो है यहाँ तक डबलिंग होनी है, लेकिन यहाँ पर अभी सिंगल ही है। और सामने अपनी ट्रेन जो है ये क्रॉस कर रही है जालंधर से दरभंगा अंत्योदय एक्सप्रेस, जो वीकली ट्रेन, आज थोड़ी ट्रेन लेट है ये, और इस ट्रेन को अपनी ट्रेन क्रॉस कर रही है। तो लुधियाना में भी रीडेवलपमेंट का काम हो रहा है, उसका वीडियो भी आपको आने वाले एक दो दिन में मिल जाएगा इसी चैनल पर। तो ये आज का थोड़ा सा वीडियो था कि मुल्लापुर से कितनी डबलिंग का काम जो है वो 22 किलोमीटर के स्टेज पे लुधियाना तक हो चुका है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, वीडियो से संबंधित कोई इंक्वायरी सुझाव तो आप मुझे कमेंट जरूर करें। बाकी आपसे रिक्वेस्ट करूँगा चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें,
ताकि रेलवे से संबंधित ऐसी वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। मिलता हूँ आपसे मैं रेलवे की किसी नई अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद।